हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथलीट आकाश। माय नेम इज आकाश एंड आई एम एन एथलीट। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसी बेस्ट एक्सरसाइजेस के बारे में, जिससे कि आप अपनी हाइट को बहुत ही इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। 3 हफ्तों के अंदर ही दोस्तों आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये एक्सरसाइज इतनी आसान होने वाली है कि आपको बिलीव नहीं होगा। इतनी आसान एक्सरसाइजेज हैं दोस्तों, और जो कि प्रॉपर आपकी बॉडी को हिट करेंगे, आपकी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपको प्रॉपर आपकी बॉडी को हिट करेंगी आपकी हाइट को इंक्रीज करने के लिए। प्रॉपर वे में 5 एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी हाइट इंक्रीज होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी मतलब सप्लीमेंट वगैरह लेके अपनी हाइट को कभी इंक्रीज नहीं कर सकते। ऐसा कोई सप्लीमेंट ही नहीं बना जिससे आपकी हाइट इंक्रीज हो सके, क्योंकि दोस्तों हाइट एक नेचुरल ग्रोथ होती है। अगर वो नेचुरल ग्रोथ अपने आप ही होती है, वो मतलब आप किसी सप्लीमेंट से नहीं बना सकते। सप्लीमेंट से आप अपनी बॉडी बना सकते हैं और भी मतलब मसल ग्रोथ कर सकते हैं, बट आप अपनी हाइट को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो हाइट बढ़ाने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी ही पड़ेंगी, जिससे कि आपको फर्क दिखेगा ही दिखेगा इन एक्सरसाइजेस से जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इन एक्सरसाइजेस को कैसे और कब करना है। तो दोस्तों इन एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे जो बेस्ट टाइम है वो है मॉर्निंग का टाइम। एंड मॉर्निंग का टाइम एक सबसे बेस्ट टाइम होता है आपको इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने के लिए। एंड एक और टाइम जब आप सोने से पहले भी इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, जो भी एक बेस्ट टाइम होता है। तो ये 2 टाइम करने के लिए बहुत बेस्ट है, बट आप इसको बीच में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा एक्सरसाइज का टाइम। इससे आपको और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पर, आपकी हाइट को इंक्रीज करने में। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की। दोस्तों वो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है दोस्तों हैंगिंग, लटकना। तो दोस्तों आप किसी भी मतलब कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको लटकने की जगह दिखेगी वहाँ पे आपको लटकना है। किसी खंभे पे, किसी भी चीज़ पे आपको लटकना है। आपको 10 मिनट, 5 से 10 मिनट आपको लटकना है। 5-5 मिनट के 2 सेट कर सकते हैं आप लटकने के लिए बिना किसी वेट के। एंड सेकंड दोस्तों इसी में आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। आप 2 सेट करने के बाद एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अपनी बॉडी पे वेट लगा के, मैं क्या करता था दोस्तों, मैं करता था कि मैं बैग में थोड़ा वजन डाल के, बैग में वजन डाल सकते हैं और उसके वजन डालने के बाद बैग में कुछ भी आप वजन वाली चीज़ें डाल के उसको अपने बैग को टांग के और फिर लटके। दोस्तों 5 मिनट इसके 2 सेट आप कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी बॉडी की हाइट को इंक्रीज करने में। तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। हैंगिंग फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी हाइट को इंक्रीज करने के लिए, बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की। सेकेंड एक्सरसाइज हमको कैसे करना है। तो दोस्तों आफ्टर हैंगिंग, जब भी आप लटकने के बाद आपको एक बढ़िया सी जगह पे आ जाना है। एंड सेकेंड एक्सरसाइज आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, और ये भी बताऊंगा दोस्तों कि इसको करने से एग्जैक्ट आपकी किस मसल पे हीट पड़ता है जिसकी वजह से आपकी हाइट इंक्रीज होगी। पूरा मतलब एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दूं आप। तो सेकेंड एक्सरसाइज करने के लिए आपको कुछ इस पोजिशन में आना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको आपके पैरों को टच करने का कोशिश करना है। ये आप पैरों को टच करने की भी कोशिश कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। एंड अगर आप पैरों को टच कर लेते हैं तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं, हाथों को पीछे लगा के एंड टच करें। ऐसे आपको दोस्तों 5 से 6 मिनट होल्ड करने की कोशिश करना है। मतलब 5 से 6 मिनट होल्ड करने की कोशिश मतलब मैं ये नहीं कह रहा, आपको 1-1 मिनट के 3 से 4 सेट करने हैं। 1 मिनट होल्ड करने की कोशिश करना है, 30 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करना है। मतलब आपकी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाना है। तो ये थी दोस्तों हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी हाइट को इंक्रीज करने के लिए। तो मैं आपको इसका बता दूं कि एग्जैक्ट आप हाइट इससे आपकी क्यों बढ़ेगी, कैसे इंक्रीज होगी। तो दोस्तों जब भी हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी यहाँ की जो मसल्स है वो क्या होता है, कई बार मसल्स इकट्ठी होकर स्टिफ हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज को करने से आपकी मसल खुलेगी यहाँ की, और आपका जो यहाँ का जो स्ट्रक्चर जब खुलेगा, तो मसल जब इंक्रीज खुलेगी तो अपने आप ही सारी चीज़ें खुलने लग जाती हैं। मसल खुलेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी हाइट आपको इंक्रीज होने लग जाएगी, आपका बॉडी पोस्चर सीधा होने लग जाएगा। जैसे अब यहाँ की मसल्स मेरी खुलेंगी तो मैं ऐसे खड़ा होऊंगा, पहले मैं ऐसे खड़ा होता था तो मेरा क्या है कि मेरा बॉडी पोस्चर यूं था, तो हल्का सा ये स्ट्रेच करने की वजह से मेरा सीधा हो जाएगा, तो मेरी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाएगी। तो ये था दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक। दोस्तों जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है वो दोस्तों ये है। तो चलिए आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो आपको थर्ड एक्सरसाइज करने के लिए कुछ ऐसी जगह पे, कैसी भी खुली जगह पे आ जाना है। एंड आपको नॉर्मली अपने हाथों को कुछ इस तरह करके और ऐसे करना है
एंड नीचे तक पूरा लेके जाना है, पूरा स्ट्रेच करते हुए और पूरा ऊपर पीछे तक जाना है। कितना आप पीछे तक जा सकते हैं, ये दोस्तों थर्ड एक्सरसाइज है, ये पूरा स्ट्रेच करते जाना है करते। तो इस एक्सरसाइज को आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कि कैसे आपको सेट लगाने हैं ये बता दूं आपको। तो आपको लगाने हैं इसके कम से कम 10 सेट, ठीक है दोस्तों। और कैसे लगाना है आपको, पहले हल्का स्ट्रेच करना है, फिर हल्का, फिर हल्का, फिर ऐसे करते करते बढ़ाते चले जाना अपने लेवल, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा, तो इससे स्ट्रेच आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करने से, ये बता देता हूँ, इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जितनी कोर की मसल्स हैं, आपकी जो पूरा जो आगे का जो फ्रंट का मसल्स है वो स्ट्रेच होगा, ठीक है दोस्तों, और खुलेगा। तो खुलने की वजह से आपका बॉडी सीधा होगा, बॉडी स्ट्रक्चर सीधा होगा, इससे आपकी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। फोर्थ एक्सरसाइज करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज का नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ, इस एक्सरसाइज को कहते हैं कैट कैमल। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज है दोस्तों। तो चलो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपको इसको परफॉर्म करना है। कैट कैमल को आपको नॉर्मली आपके पैरों को खोलना है, आपकी शोल्डर से हल्का सा वाइड, मैंने खोल रखा है दोस्तों, मैं सामने से भी करके दिखाता हूँ आपको, ऐसा हल्का सा वाइड खोलना है, इतना खोलना है आपकी शोल्डर की लाइन से, हल्का सा वाइड खोलना है, एंड आपके हाथों को आपको शोल्डर की लाइन में, एंड दोस्तों आपको ब्रीद इन करते हुए पूरा ये स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ पुल करना है, ऐसे कुछ ऊपर की तरफ पुल करना है, साइड एंगल से मैं बताऊंगा बेटर पता लगेगा। तो ऐसे करके और अप में पूरा ऐसे पुल करना है ऊपर की तरफ, जैसे करके दिखाता हूँ अप, ये हो गया पुल ऊपर की तरफ, पूरा स्ट्रेच डाउन नीचे की तरफ पूरा, है ना, ऐसे अप पूरा स्ट्रेच डाउन। तो ये थी दोस्तों हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी हाइट को इंक्रीज करने में। तो इस एक्सरसाइज को कैसे और किस कितने सेट करने हैं ये बता दूं। तो इस एक्सरसाइज को आपको जिस तरह मैंने बता दिया कैसे करना है, अब इसके कैसे सेट लगाने हैं, तो दोस्तों इसको आप 10 बार परफॉर्म कर सकते हैं डेली, 10 सेट आप इसके लगा सकते हैं डेली आपको। तो अब हम बात करते हैं अपनी वेस्ट एक्सरसाइज के बारे में, और वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज आपकी हाइट को इंक्रीज करने में एंड आपकी बैक की स्टिफनेस को भी खत्म करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है एक्सरसाइज। तो चलिए बात करते हैं हम अपनी फिस्ट एक्सरसाइज की, कैसे करना है। तो दोस्तों फिस्ट एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेटना पड़ेगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको, नॉर्मली लेट जाना है। इस एक्सरसाइज को कहते हैं अर्धचक्रासन, योगा का ये एक एक्सरसाइज है। आपको कुछ इस पोजिशन में लेट जाना है दोस्तों, एंड आपके दोनों हाथों को आपकी शोल्डर की लाइन में रखना है कुछ इस तरह, एंड अप, होल्ड डाउन। ये भी, ये वाली एक्सरसाइज भी एक लेवल के हिसाब से है, पहले मैंने यहाँ रख के किया, अब जब मैं 3-4 सेट कर चुका हूँगा उसके बाद मैं थोड़ा हल्का वाइड कर लूंगा, पीछे कर लूंगा हाथों को कुछ, यहाँ से मैंने यहाँ कर लूंगा, तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा मेरा। ये देखिए दोस्तों टफ हो गया, तो ये और ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज हो जाएगा मेरे। तो ये थी दोस्तों हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज, जो कि आपकी हाइट को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इस एक्सरसाइज के आपको 10 सेट लगाने हैं, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि हाथों को पीछे करके इसको टफ करते चले जाना, टफ करते चले जाना, एक लेवल पे जब आपको लगे कि अब नहीं होगा टफ इससे ज़्यादा, तो आपको वहीं पर रुक जाना है, एंड उस हिसाब से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो ये थी दोस्तों हमारी 5 बेस्ट एक्सरसाइज, जिससे आपकी हाइट इजीली इंक्रीज होने वाली है। और मैं दोस्तों 100% श्योर होकर कह सकता हूँ, अगर आपने 3 हफ्ते इन एक्सरसाइजेस को कर लिया तो आपकी हाइट 100% इंक्रीज होगी, और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है 3 हफ्ते बाद। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को, जितना ज़्यादा आप इन एक्सरसाइजेस करेंगे उतनी अच्छी आपकी हाइट इंक्रीज होने वाली है दोस्तों। और मैं एक बात बता दूं दोस्तों, किसी भी सप्लीमेंट से आपकी हाइट नहीं बढ़ती, ये सिर्फ एक भ्रम है जो कि अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए लोग फैला रहे हैं। सप्लीमेंट से कभी हाइट इंक्रीज नहीं हो सकती। हाइट इंक्रीज करने के लिए आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसके अलावा आप अपनी हाइट को किसी भी तरीके से बढ़ा नहीं सकते दोस्तों। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प होगा। अगर मेरी वीडियो से कुछ हेल्प हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा, मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।